हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं। सार सिंपल है, मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ। तूने खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। फुल डेडिकेशन के साथ आपको वर्ल्ड की बेस्ट रिसेप्शनिस्ट बन के दिखाऊंगी। वैसे वो लड़का कौन था? कौन लड़का? शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मम्मा, पराठा दो ना। अरे ला रही हूँ, जरा सा सबर नहीं है इसे। ये लो पराठे। थैंक यू मां। खा। बहुत अच्छी खबर है, तेरे लिए बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है। माँ, मैंने आपको कितनी बार कहा है, मुझे अभी बहुत पढ़ाई करनी है, कुछ करना है लाइफ में। क्या आप ही शादी शादी करते रहते हो? देखो जी, ये मेरी तो सुनती नहीं है, आप ही समझाओ इसे। तुम भी पीछे पड़ जाती हो लीला, इसकी उम्र ही क्या है अभी? जैसा बाप वैसी बेटी। सुनो, वो नई किराएदार नहीं आने वाली थी ना? हाँ, उसका फोन तो आया था थोड़ी देर पहले, आती रही होगी। लगता ये वही है। ये आशी है, ले जाओ, इसका कमरा दिखाओ इसे। ठीक है माँ, चले जाओ। And really it happened that day. It was so damn funny. I'm telling you, बहुत funny है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम आज ही मिले। वो ऐसा इसीलिए है क्योंकि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा ना, तब मुझे देखते ही ऐसा लगा कि हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं। अरे मेरा मतलब है एक दूसरे के दोस्त बनने के लिए बने हैं। अच्छा सुनो, चलो मैं ना तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ रूम का सेट करने में, आ जाओ। अरे नहीं, इट्स ओके, आई विल मैनेज प्लीज। एक साइड तुम मुझे दोस्त बना रही हो, दूसरी साइड दोस्ती का फर्ज भी नहीं निभाने दे रही, कैसे दोस्त हो तुम? हाँ अरे बाबा, इट्स ओके, तुम ही कर लेना। वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं क्विकली नहा के आता हूँ। हाँ जाओ जाओ, ठीक है, तब तक मैं रूम बनाती हूँ, जाओ। आज मेरे कॉलेज से कॉल आई थी कि कोई आज पढ़ाई-वढ़ाई नहीं है, सेमिनार होने वाला है। और आशि, कमरा कैसा लगा? जी बहुत अच्छा लगा। आपको पता है मैं और आशि ना दोस्त बन गए हैं, और मैं उसकी पूरी हेल्प करने वाली हूँ रूम सेट कराने में। आओ, मैं हेल्प कर देती हूँ तुम्हारी। तुमसे एक बात पूछो। पूछो। तुम
तुम यहाँ अपने घर से इतना दूर लखनऊ में क्या कर रही हो? सच कहूँ तो मैं अपने आप से भाग रही हूँ। मतलब? कुणाल नाम था उसका। बहुत प्यार करते थे हम एक दूसरे से। सब सही चल रहा था, हम शादी करने वाले थे, लेकिन पता नहीं क्यों उसने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। कुछ दिन बाद मुझे पता लगा कि उसने शादी कर ली। उसके बाद मेरा उस शहर में दम घुटने लगा। You have me here, don't worry. खैर मेरी छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ कुछ। I mean, तुम्हारा कोई तो बॉयफ्रेंड होगा ही? नहीं है, दो बॉयफ्रेंड यार। पर मुझे ना आज तक कभी किसी से कोई खुशी नहीं मिली। पर क्यों? शायद मुझे ना किसी तुम्हारे जैसी का इंतजार था। तुम ये क्या कर रही हो? तुम मुझे ऐसी वैसी लड़की समझ रही हो? पर मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे छूने से तुम्हारे अंदर जज्बात छिप जाते हैं। स्टॉप इट। पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तो एक काम करो, मेरी गलतफहमी दूर कर दो। जैसे? अरे सार सिंपल है, मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ कि मैं तुम्हें छूंगी, महसूस करूंगी, और अगर बदले में तुम्हें मेरे लिए कुछ महसूस नहीं होना तो आज के बाद मैं कभी तुम्हारे सामने इन सब बातों को लेके नहीं आऊंगी। बोलो क्या मंजूर? मंजूर है मुझे। सांसें जरूरी होती है ना आशी, मेरे लिए ना तुम बिल्कुल वैसे ही जरूरी हो गई हो। क्या है ना कि जमाना वैसा नहीं है जैसे हम सोचते हैं। तुम्हारे प्यार को नहीं समझेगा। काश तुम लड़का होती तो हक से मेरे घर मेरा रिश्ता मांगने आ जाती। जो बात नहीं हो सकती है इसपे आंसू भर जाने से तो कुछ नहीं होगा ना। इससे अच्छा तुम इस लम्हे को खुली दे चलते Thank you.
मैंने तुझे अपने सर पे बिठाया और तूने तूने खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। तेरी हिम्मत कैसे ही मेरा हाथ रोकने की? शुभ की कोई गलती नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अरे पाप है ऐसा रिश्ता, हर को आत्मा से किया जाता है और मैं सुबह से बहुत प्यार करती हूँ। मैं मानती हूँ मेरा शरीर एक औरत का है, लेकिन मैं मेरी आत्मा सब सुबह से प्यार करती हूँ। गुस्से में कोई ऐसा कदम मत उठा देना जिससे जिंदगी भर पछताना पड़े। अगर तुम चाहती हो कि मेरे हाथ से कोई अनर्थ ना हो तो दूर कर दे सभी लड़कों से। मनुष्य लड़की अभी तक यही खड़ी है, जा निकल जा हमारे घर से। जिंदगी में कभी खूबसूरत मत दिखाना, निकल। मुझसे बहुत बड़ी गलतियाँ हो गई, मुझे माफ कर दो। आज के बाद आप लोग जो बोलोगे कैसा बोलोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। चुप, एकदम चुप। आज से तेरी पढ़ाई लिखाई सब बंद, अगला जो भी रिश्ता आएगा उससे हम तेरी शादी कर देंगे। ये कितना सुंदर है। ले देख बेटा, आज तेरी सगाई है, रिश्ता बहुत अच्छे घर में हो रहा है, तू इसे अपनी खुशकिस्मती ही समझ, वरना तेरे कर्म तो ऐसे हैं कि तुझ पे कोई थूके भी ना। लीला, लीला बाथरूम में पानी नहीं है, मैं नहाया नहीं हूँ अब तक। अरे बाबा मुझे पता है, मैंने प्लम्बर को फोन कर दिया, वो आता ही होगा। क्या कर दिया होगा यार? लगता है वही आया, मैं देखती हूँ। प्लम्बर हुआ? आ जाओ जल्दी आ जाओ, हमारे घर में गेस्ट आने वाले, बिल्कुल पानी नहीं हमारे पास। जाओ वहाँ वॉशरूम जाके देखो, जाओ जल्दी। अगर मैं लड़का होता तो तुम खुशी खुशी मेरे साथ रह पाती, तो दीदी मैंने अपने वजूद की कुर्बानी और बन गई मैं आशी से आशु। तुमसे क्या चाहते हो? तुमसे कुछ नहीं चाहता हूँ, सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं और एक नई दुनिया बसाते हैं। नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती। मैंने एक बार अपने माँ बाप का सर शर्म से चुकवा दिया था, अब मैं ऐसा हरगिज़ दोबारा नहीं करूँगी। प्लीज प्लीज जल्दी चले जाओ यहाँ से, मुझे शोर मचाना पड़ेगा। मैंने सोच लिया ना कि तुम ये लेना मिलता था, अगर आज तुमने मना कर दिया ना मैं अपनी चाबी दे के दूंगा। ऐसे मत करो आशु, आशु ऐसे मत करो, फिर पागल बने। देखो बैठ के बात करते हैं, चलो नीचे रखो।
बहन जी विक्रिया को जरा बुला लीजिए। जी बुलाती हूँ। शुभी, शुभी, दबाव में आकर खुद को बदलने की बहुत कोशिश की और मुझे लगा था कि मैं बदल गई हूँ, लेकिन मेरी कोशिश और विश्वास एक झटके में गलत साबित हुआ जब मेरे सामने आशी आ गई। पलंबर हुआ? यानी आशी ही पलंबर के भेष में आई थी और मेरे दिल में छुपी जज्बात फिर से उभर के सामने आ गए। मैंने जाना आशी ही मेरा सच्चा प्यार है, उसके साथ ही अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। प्लीज मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मुझे पता है मैं जहाँ जा रही हूँ बहुत खुश रहूँगी। आपकी शुभी। वो इंतजार कर रहे हैं। अरे लीला, लीला, शुभी कहाँ है? लीला, लीला, अरे शुभी कहाँ है? प्यार का आशियाना। मुझे पता है कि ये घर बहुत छोटा है तुम्हारे लिए, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं दिन रात बहुत मेहनत करूँगा और तुम्हारे कदमों पे पूरी दुनिया की खुशियाँ लाके रखती हूँ। जाना, तो तुम्हारा साथ ही सबसे बड़ी खुशी। पर अगर आज तुमने मुझे मना कर दिया होता ना, तो शायद मेरे पास मरने के सिवा कोई चारा नहीं था। क्योंकि मेरी भी ना तुम्हारी तरह एक साधारण सी फैमिली है, जैसे तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारी शादी के पीछे पड़े थे, मेरे परिवार वाले भी मेरी शादी के पीछे पड़े थे। मुझे पता था कि मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकती, मेरा मतलब नहीं रह सकता था, इसलिए मैंने घर से गहने चुराए और उन पैसों से सर्जरी करवा ली और आशीष से आशीष बन गया सब तुम्हारे। इतना प्यार करती हूँ मुझसे, इससे भी कहीं ज्यादा। बताना भूल गया कि यहाँ पे ना हर सुबह कुछ घंटों के लिए बिजली चली जाती है। मैं एक काम करता हूँ, खिड़की खोल देता हूँ तो ताजी हवा आएगी। हाँ
यार कितनी गंदी बदबू है, बंद करो उसको। क्या है ना, पास में एक नाला है तो उससे कभी कभी बदबू आती है। अरे कबाड़ खाना, कोई और बात है तो वो भी बता दो। हाँ है ना, वो 3 बजे रोज पानी का टैंकर आता है तो वहाँ पे जो बाल्टियाँ रखी है ना वो तुम्हें भर के लाना पड़ेगा, वरना हमारे पास पानी भी नहीं रहेगा। कुछ दिन की बात है डार्लिंग, मैं वादा करता हूँ हम यहाँ से ना जल्दी अच्छे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा मुझे देर हो रहा है, मैं काम पेन कर रहा हूँ, तो प्लीज़ एक काम करो कि बहुत भूख लगी है, कुछ खाने का बना दो। हाँ? मैं नहीं बनाती, तुम ही जाके बनाओ और मेरे लिए भी कुछ बना देना, मैं तो चली सो रही। अच्छा ठीक है तो सो जाओ। पहले माफ करो, बात करो, क्या इतना भी हक नहीं है मेरा तुम पे? तुम्हारे तो जोर से भूख लगी, खाने में क्या बनाया? भूख तो मेरे को ही बहुत जोर से लगी है, बट खाने में तो कुछ नहीं बनाया। क्यों ना हम बाहर से कुछ ऑर्डर करें? अरे यार तुम क्यों नहीं समझती, मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है और अगर इस तरह से हर रोज फालतू के फिजूल खर्च करने लगे ना तो इस दलदल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो क्या करूं, जीना छोड़ दूं? भिखारियों की तरह जीने की आदत नहीं है मेरी। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम भी कोई जॉब क्यों नहीं कर लेती? इससे हम दोनों की इनकम भी बढ़ जाएगी, तुम ऐसे घर में बैठे बोर भी नहीं होगे और यहाँ से निकल पाएंगे जल्दी। आइडिया तो तुम्हारा बहुत ही गुड है, मैं ना अभी जाकर किसी जॉब की साइट पर रजिस्टर करती हूँ। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कल ही ना मेरे फैक्ट्री के एक आदमी है उसका नाम सुरेश है, उसने कहा था कि उसकी कोई बहन है जिसने रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए ट्राई किया था और उसे वो जॉब नहीं मिली। क्यों ना तुम उस जॉब के लिए ट्राई करो, क्या पता तुम्हें मिल जाए। मैं कल ही ट्राई करूँगी। अच्छा एक काम करो, तुम जल्दी से सब्जी काट दो, मैं खाना बनाता हूँ। ठीक आ जाओ चलते। अच्छा मैं तुमसे एक सवाल कर सकता हूँ? हाँ। आपको इस जॉब की कितनी ज़रूरत है? ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है,
लेकिन तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हारी जॉब लगवा सकता हूँ। अंदर बॉस सभी से ढेर सारे सवाल पूछते हैं, पर वो जॉब सिर्फ एक ही सवाल के जवाब पर ही देते हैं। सवाल? कैसा सवाल? सोच लो, उसके लिए तुम्हें कुछ रिश्वत देनी होगी। हाँ, बोलो। वो सवाल ये है कि तुम्हें ऐसा क्या है कि तुम्हें नौकरी मिलनी चाहिए? ये तो बहुत आसान है। मैं बोल दूंगी कि मुझे इस जॉब की ना सख्त जरूरत है और मैं इसके लिए क्वालिफाइड हूँ। बकवास, यही जवाब तो सब देते हैं। तुम ही बताओ ना क्या जवाब दो। अब ये भी मैं बताऊं? गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट। कुछ अपने बारे में बताइए। मेरा नाम ना शुभी वर्मा है और मैंने सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन करी है। तो तुमने ग्रेजुएशन पूरी क्यों नहीं की? तुम? मेरा मतलब आप? हाँ मैं। So what's your answer? पर्सनल प्रॉब्लम्स के चलते मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ गई थी। अच्छा तो मैं शुभी, मुझे ये जॉब आपको क्यों देनी चाहिए? वो दरअसल क्या है ना, मेरे पापा अक्सर कहते हैं कि आप इस दुनिया में चाहे कोई भी काम करो, वो घास काटने का हो या चाय बनाने का हो, मतलब कुछ भी हो, लेकिन आप ना उसमें एकदम बेस्ट होने चाहिए। इसीलिए मैं भी फुल मेहनत करूँगी और फुल डेडिकेशन के साथ आपको वर्ल्ड की बेस्ट रिसेप्शनिस्ट बन के दिखाऊंगी। अच्छा तो आप जा सकते हैं। अच्छा सुनो, अपना अपॉइंटमेंट लेटर तो लेती जाओ। सच्ची? थैंक यू सो मच। प्लीज कॉल मी मोहित। जी सर, मेरा मतलब मोहित। अच्छा हाँ? अभी मेरी एक रिश्वत बाकी है। मैं आपको क्या ही रिश्वत दे सकती हूँ? रोज शाम को ऑफिस के बाद तुम्हें मुझे पास वाले डब्बे पे चाय पिलानी होगी। इतनी सी बात? क्यों नहीं, जरूर। अभी हम चलते हैं। अच्छा सुनो जी, बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर सकता हूँ? थैंक गॉड, अब आपकी वजह से मुझे ना उस बस के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। चलिए। चलो जल्दी से आंखें बंद करो। क्यों? बंद करो ना। चलो अब आंखें खोलो। ये मेरे लिए? नहीं, बाहर जो सब्जी वाली बैठी है उसके लिए। With आम भी ना? पर अफसोस सकती। देखो मैं तुम्हारा बॉस हूँ और ये रखने का तुम्हें ऑर्डर देता हूँ। आम ही ना,
चलो बाय। दो दिन के लिए ऑफिस के ट्रिप से बाहर जा रहा हूँ। वैसे वो लड़का कौन था? कौन लड़का? वही जो तुम्हें अपनी महंगी गाड़ी में हर रोज घर तक छोड़ने आता है। अच्छा अच्छा वो हो मोहित। अब वो और मैं तो बस साथ में काम ही करते हैं। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं और मुझसे झूठ क्यों बोला? ये मेरी जान, वो मोहित मोहित कोई मेरे लिए मायने थोड़ी रखता है। मैंने फरिश्ते में अपने जज्बात यहाँ तक की अपनी जिंदगी और अपना वजूद तक झोंक दिया है, अब तुम मुझे धोखा दे रही हो। चुप करो आशा, तेरी असलियत सामने आ गई है। समझी? बारे में सोचा भी ना, तेरी लाश भी कहीं नहीं मिलेगी। और ये मेरा वादा है तुझे, समझी? क्या हुआ, तुम आज इतनी गुमसुम क्यों हो? कुछ नहीं, चलती हूँ। अपनी फाइल भूल गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? मुझे सब कुछ सच सच पता चल चुका है कि तुम और आशु भाई बहन नहीं बल्कि लिव इन में रहते हो। ये बात मुझे खुद आशु ने बताई। तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद मुझे तुमसे नफरत हो गई। अब मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। पूरा सच बताने का एक मौका नहीं। क्या है पूरा सच? पूरा सच ये है कि वो जो आशु है ना, वो भी एक साल पहले तक एक लड़की हुआ करता था। आशी नाम था उसका, आशी।
करता है, चपमन में है, मारता है, पीटता है, मानो मैं उसकी गुलाम हूँ। मैंने उसके लिए अपना घर, बार, माँ बाप सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन अब मुझे सच का एहसास हो गया। कैसा सच? प्यार करने के लिए आपको एक सही इंसान के मिलने का इंतजार करना बहुत जरूरी है, और मेरे में सही इंसान तुम हो मोहित। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। तुम्हें अपने माँ बाप के पास वापस जाना चाहिए। मेरे माँ बाप अब मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे मोहित। बच्चे भले ही लाख गलतियां करते हैं, लेकिन उनके माँ बाप उनसे ज्यादा दिन तक नाराज नहीं रहते। तुम्हें एक बार उन्हें कॉल करना चाहिए। चलो अब मम्मी पापा को कॉल करो। हेलो, मुझे माफ कर दो माँ, मैं आप लोगों से दूर जाके बहुत पछता रही हूँ। I'm sorry. शुभी मेरे बच्ची। पापा कहाँ हैं? प्लीज मेरे उनसे एक बार बात करवाओ ना। वो तुम्हारे जाने का सदमा नहीं बर्दाश्त करता है बेटा। वापस आ जाओगे? मैं अकेली हो गई हूँ। हाँ माँ, मैं बहुत जल्द आप सबके पास आऊंगी। मम्मा, अब आपका ध्यान रखूंगी। मुझे माफ करना माँ। थैंक यू मोहन। अब जल्दी से जाके सामान पैक करो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। आशु मुझे चांद से मार देगा अगर मैंने घर जाने की सोची भी, तो ये नहीं कर सकते हम। तो फिर तो हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। अरे बाबा, उसने अब तक तो कुछ किया थोड़ी है, ऐसे में पुलिस क्या कर लेगी? तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? एक तरीका है, हमें आशु को रास्ते से हटाना पड़ेगा। होश में तो हो? क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं आशु की रग रग से वाकिफ हूँ। वो हम लोग को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। प्लीज मेरा साथ दो मोहित, वरना एक दिन तुम्हें खबर मिलेगी कि शुभी अब इस दुनिया में नहीं रही। तुम चाहते हो क्या कि मैं मर जाऊं? तो क्या प्लान है? प्लान ये है कि आज रात आशु के खाने में मैं नींद की गोली मिला दूंगी, जिसे खाकर वो एक गहरी नींद में सो जाए। फिर मैं तुम्हें कॉल करूंगी, और हाँ, तुम्हें ना एक पुरानी गाड़ी का इंतजाम करना होगा, जिस गाड़ी में उसको डालकर किसी दूर सुनसान जगह ले जाएंगे, जहाँ हम उसको हम दोगे ना मोहित? बोलो मोहित, बोलो। थैंक यू। Thank you.
तेरी गर्लफ्रेंड मिलकर मुझे मारने की साजिश रचोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा। हाँ, मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है, मैं भी वही मौजूद था जब तू और तेरी गर्लफ्रेंड मिलकर मुझे मारने की साजिश रच रहे थे। प्लान ये है कि आज रात अशु के खाने में मैं नींद की गोली मिला दूँगी, जिसे खाकर कोई गहरी नींद में सो जाए। तुम्हें ना एक पुरानी गाड़ी का इंतजाम करना है, उस गाड़ी में हम आशु को डालकर किसी दूर सुनसान जगह ले जाएंगे जहाँ हम उसको मार डालेंगे। इसलिए मैंने मौका पाते वो जो खीर इसने बनाई थी ना उसके साथ बदल दी। फिर मैंने बेहोश होकर मार डाला जा चुके। Are you okay? आप लोग यहाँ? मैंने यहाँ बुलाया। शुभी की बातों के दबाव में आकर उस दिन उस प्लान के लिए मैंने हाँ बोल दी, पर इसके लिए मेरा दिल गवारा नहीं किया। इसलिए वक्त रहते मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। मैं तो उसे यहाँ समझाने आ रहा था कि वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन तब तक तुम जानवर बन जाओ। किसी का जीवन कुदरत की दी हुई सबसे कीमती नेमत, और तुम जैसे जानवर लोग दूसरों की जान लेने से पहले एक पल भी नहीं सोचते। मुझे मारने की साजिश तो इसने की थी। आग को आग से नहीं बुझाया गया, तुम्हें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। लेकिन देश में आकर तुमने ना सिर्फ अपने बल्कि शुभी के परिवार की खुशियाँ भी छीन ली। अब जेल में जाकर जिंदगी भर अपनी इस हरकतों पर पछता है। ले चलो, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए।